ओके जी, हम चाहते हैं इनपुट के लिए यूजर से मैं इनपुट लूं, कैसे होगी? मैंने कहा सी आउट प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ ए। अब मेरा ए एक वेरिएबल ऑलरेडी कुछ होल्ड किए हुए था, लेकिन मैं अब ये वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ जाके कह दिया, हमने कहा ए की वैल्यू एंटर होगी लाइन ब्रेक। मैं लाइन ब्रेक नहीं करता, मैं यहीं पे रोक देता हूँ। अगर मैंने ए की वैल्यू शो करानी हो तो मैं ऐसे करता था, मैं ए की वैल्यू शो करा लेता था, आपको नजर आता था प्लीज एंटर द वैल्यू ए 10। लेकिन अब मुझे 10 शो नहीं करवाना, मुझे 10 यूजर से गेट करनी है, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। ठीक है, जब मैंने सी को कुछ देना होता है तो मैं सी इन करवाता हूँ, यानी सी मेरे से कुछ ले और इनपुट ले। अगर सी ने मुझे कुछ देना होता है तो फिर हम सी आउट करवाते हैं। अब मैंने सी को कुछ देना है तो मैं सी इन करवाऊंगा, मैंने कह दिया सी इन क्या कोई भी वेरिएबल। अब ये डिपेंड करेगी इनपुट आपके इस वेरिएबल के टाइप पे। अगर मैंने यहाँ इंटीजर लिखा है तो हम यहाँ पर इंटीजर ही पास करेंगे। ठीक है, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट। अगर फ्लोट है लिखेंगे तो फिर फ्लोट पास करना होगा, फिर हम इंटीजर पास नहीं करेंगे। नहीं, अगर हमने ऊपर इंटीजर को किया हुआ और नीचे उधर हम वैल्यू जो है वो फ्लोट के दे देते हैं, तो फिर गलत होगा, वो फ्लोटिंग वैल्यू खत्म कर देगा। नहीं, वो फ्लोटिंग वैल्यू खत्म कर देगा। याद रखना है, छोटी डेटा टाइप्स बड़ी डेटा टाइप में पूरी आ सकती है, बड़ी डेटा टाइप छोटी डेटा टाइप में पूरी नहीं आती। डबल इंटीजर में पूरा नहीं आएगा, फ्लोट इंटीजर में पूरा नहीं आएगा, इंटीजर फ्लोट में भी पूरा आ जाएगा, डबल में भी पूरा आ जाएगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ कह दिया सी इन करवाओ ए। अब देखो मैं रन टाइम पे इसको शो करवाता हूँ। मैंने रन किया, उसने कहा प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ ए, मैंने कह दिया 1200। ठीक है, एंटर किया, प्रोग्राम चल गया, यानी मेरे से इनपुट ले रहा है, लेकिन पता नहीं इनपुट सही ले भी रहा है कि नहीं ले रहा, क्या ख्याल है? अब हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा ना हम अपने प्रोग्राम को स्लोली एंड स्टेडीली रन करें। अभी तक मैंने आपको बताया कि कंपाइल करते हैं F9 के साथ, ठीक है, फिर मैंने आपको बताया रन करते हैं, ठीक है, F10 के साथ, फिर मैंने कहा दोनों को इकट्ठा करना हो तो कंपाइल एंड रन के लिए F11 करते हैं। अगर आपने पूरे प्रोग्राम की चीज़ें चेक करनी है, यानी जितनी भी फाइलें आपकी इकट्ठी आई हैं प्रोजेक्ट के अंदर, उन सबको आपने करना है, तो फिर आप F12 करते हो। मैं ये चाहता हूँ कि ये देखिए कहीं इसमें सेंटेक्स में तो गलती नहीं है, तो आप इस पर क्लिक करते हैं सेंटेक्स चेक। अब इसने सेंटेक्स चेक किया, इसने मुझे कह दिया 0 एरर्स है, कोई वार्निंग नहीं है और कंपाइलेशन टाइम भी इतना है, यानी अभी इसने आउटपुट कोई जनरेट नहीं की, ना ही उसने कुछ और काम किया, सिर्फ उसने मुझे क्या कर दिया, उसने मुझे चेक करके बताया कि इसमें कहीं फाइल है कि नहीं, और अगर यानी अभी तमाम फाइलों में। और अगर मैं कहता हूँ सेंटेक्स चेक द करंट फाइल, तो जो मेरे पास इस वक्त एक्टिव मोड में, सिर्फ उसको उसने चेक किया और उसको उसने इंप्लीमेंट कर दिया, क्योंकि हमारे पास फाइल ही एक है, इसलिए हमें इशू नहीं है। ठीक हो गया जी। मैंने क्लिक किया किसके ऊपर, एग्जीक्यूट के ऊपर। मैं चाहता हूँ यहाँ पर, अब मैं थोड़ा सा पैनिक हो रहा हूँ, मैं चाहता हूँ नहीं मैं एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करूँ, तो फिर मैं करता हूँ F5। ध्यान से समझनी है बात, मैंने F5 पे क्लिक किया। अच्छा, यहाँ पर ना थोड़ा सा फ़र्क है, वहाँ कीज थोड़ी सी फ़र्क होंगी। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया ओके, मैंने जैसे यस किया, इज गिविंग मी सम एरर के आपकी इंस्टॉल। हम कहते हैं कि सीन में हमने फाइल को वन बाय वन, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना हो तो हम यहाँ से डिबग कर लेते हैं। ठीक है जी, अभी फ़िलहाल हम ये नहीं कर रहे, हमने यहाँ पर ये लाइन एग्जीक्यूट कर दी है। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं कि दूसरे वेरिएबल के लिए भी इनपुट लें, तो मैंने दूसरे वेरिएबल के लिए भी इनपुट ली, मैंने दोनों वेरिएबल्स के लिए इनपुट ले ली। ठीक है, मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, जैसे मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ, मेरे पास जो है वो मेरा एंटर द वैल्यू ऑफ ए मेरे पास वो पूछ रहा है, मैंने कहा 10, एंटर द वैल्यू अगेन ए पूछ रहा है, क्योंकि मैंने वेरिएबल चेंज नहीं किए, तो मुझे कह रहा है कि एंटर द वैल्यू ए, मैं इधर बी कह देता हूँ और यहाँ मैं सी कह देता हूँ। यानी अगर आप रन टाइम पर यूज़र से वैल्यूज़ लेना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ पर अपनी ये वैल्यूज़ जो हैं वो पास इस तरह से करते हैं, यहाँ पे बी लेना, सॉरी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब यहाँ तक आए ना, तो इसके बाद वो मुझे दिखाए कि मेरे वेरिएबल में स्टोर क्या हुआ है। ठीक है, तो फिर मैं कैसे करूँगा, मैं कहूँगा सी आउट, यहाँ हम कर देते हैं द वैल्यू ऑफ A, value of A is A, और इसी के साथ मैं लाइन ब्रेक चालू कर लेता हूँ। The value of B is B। सर, अब मुझे एक चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, ऊपर ऊपर हमने इंटीजर में वैल्यूज दी हुई है 10 से 20, तो अब ये उनको पिक करेगा या हम देंगे? नहीं, जो हम
जब प्रोग्राम फ्लो में चलता है, ये मैं बेसिकली ऊपर दिखाना चाहता था, थोड़ा कंपाइलर एरर आ गया। जब मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ ना, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है और दाएं से बाएं की तरफ आता है, यानी मेरी राइट साइड से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। यानी जब यहाँ तक पहुँचा ना, तो उसने ए में 10 रखा है, बी में 20 रखा है, सी में 50, ये वैल्यू सेट हो गई है। ठीक है, अब अगर मैं इसके फ़ौरन बाद यानी सी आउट करवा देता, ये नीचे वाली लाइनें ऊपर लिख देता, तो फिर 10, 20, 50 वगैरह प्रिंट हो रहा था। लेकिन जैसे मैंने दोबारा इनपुट मांगी, अब ए में क्या आ गया, जो भी आपने सी इन करवाया, जैसे उसे सेमी कॉलन मिला, ए में 10 आ गया। सही, ठीक है, बी में जो मैंने लिखा वो आ गया और नीचे वही वैल्यू प्रिंट हो यानी जाएगी। कि अब जो है, अब हम उसको रन करेंगे तो वो हमें ऊपर वाली वैल्यू नहीं दिखाएगा, नहीं देगा, जो वो खत्म क्योंकि हो गई वो है। खत्म हो गई है अब वेरिएबल में जो वैल्यू होल्ड हो रही है वो नई वाली है जो मैंने अभी जो जो भी प्रिंट एंटर की। करेंगे। मैंने कहा जी 150 एंड 250, आई जस्ट चेक, 150 एंड 250 मेरे पास स्टोर हो गया, ठीक हो गया जी। यानी सी इन बेसिकली प्रोग्राम के रनिंग मोड में इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता ठीक है, है, ये मेरा प्रोग्राम का रनिंग मोड है। ठीक हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर? ठीक ओके, अब हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू देकर अपने प्रोग्राम से बाहर आ जाते हैं, सेव कर देते हैं। सी इन, ये तो था एक वक्त में मैंने अलग अलग वैल्यूज ली है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसी प्रोग्राम को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल एन एक नई फाइल बनाता हूँ, कंट्रोल वी से इसको पेस्ट करता हूँ, सेव कर देता हूँ सी इन टू। ठीक है जी, देखना अब मेरे पास वेरिएबल काफ़ी ज़्यादा है, मैं ऐसे करता हूँ उनको वैल्यू देता ही नहीं हूँ। अगर मैं किसी भी वेरिएबल को वैल्यू दिए बगैर प्रिंट करवाता हूँ, लाइक ए और बी है, तो मैं इन्हें वैल्यू नहीं देता, मैं इससे पहले ही प्रिंट करवा लेता हूँ, तो मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, अब मैं अपने प्रोग्राम को सेव करता हूँ, मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो आप देखो आपके पास क्या है, गार्बेज वैल्यूज जो है वो ए और बी में आ गए, जीरो, ठीक, जीरो और वन है, कुछ भी आ कुछ सकते भी हैं। है। ठीक ठीक, इसलिए प्रेफर यही होता है कि आप जब भी वेरिएबल को डिफाइन करो उसको एक प्रॉपर स्टेट दे दो। मैंने दोनों को इनिशलाइज कर दिया है, जीरो से, अब आप जब भी रन करोगे तो इसमें बाई जीरो डिफॉल्ट ही जीरो पड़ा रहेगा। है, अगर आपने कोई चीज़ चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक, अब मैंने कहा सी आउट, मैं कट ही इनपुट लेना चाहता हूँ, तो मैंने ये नहीं लिखना सर प्लीज आपने एंटर। वो फर्स्ट जो भी स्टार और स्लैश जो है उसको रिमूव किया है, तो लेकिन एंड पे लगी हुई अभी है। करूँगा, नीचे जाता हूँ तो नहीं, करूँगा, वैसे अगर एंड पे एरर लगी हुई है तो आएगा। एरर आएगा। हाँ, ये मेरा डिक्लेयर्ड ही है, एरर आएगा। सही, ठीक है, तो अभी हम यहाँ आ गए, मैंने कहा, मैं कहता हूँ एंटर योर इनपुट्स। अब मैंने इक्वल के बाद यानी मांगे इनपुट ए, तो मैं यहीं पे ही दो इंसर्शन ब्रैकेट दोबारा डालता हूँ, इंसर्शन स्टेटमेंट्स डाली मैंने और मैंने कह दिया बी। यानी अब मैं ए भी गेट करूंगा और बी भी गेट करूंगा, तो मैं इसको रन करता हूँ। मैंने रन किया प्रोग्राम को, मैंने कहा ए 10, B 20, देखो दोनों की वैल्यूज आप इकट्ठी स्टोर कर सकते हो। यानी सी सही, इन के वक्त अब आप दोनों वेरिएबल्स एक साथ भी सीन करवा सकते हो, जितने मर्जी हो। यहाँ पे आगे आप इंसर्शन ऑपरेटर्स डालते जाओ, इंसर्शन ऑपरेटर्स, और आपकी जो वैल्यूज है वो प्रिंट हो जाएंगी। जिस तरह सी आउट में हम ए की लाइन में दो दो तीन तीन सेंटेंस भी प्रिंट कर लेते थे, बिल्कुल इसी तरह हम दो तीन चार वेरिएबल्स भी इकट्ठे इनपुट करवा सकते हैं। ठीक है। क्लियर होगी बात? तो ये था जी आपका सी इन का पोर्शन जो अच्छा, यहाँ पे कंप्लीट ये हो जो गया। दो एरोज हैं हमारे,